Subscribe my channel and press the bell icon. Hey friends, welcome to my channel. आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ बहुत ही रियल वर्किंग हाउ टू डाउनलोड GTA San Andreas इन 200 MB. तो आप पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए. मेरे पास यूसी ब्राउज़र है इसलिए मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करूँगा. तो ये ओपन हो रहा है. फिर आप इसमें सर्च करें GTA SA लाइट डाउनलोड. ओके, ये सर्च हो रहा है. फिर आपको इसमें बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, पर ये जो पहली वाली है GTA San Andreas लाइट 200 MB APK डाटा, फिर आप इस पर क्लिक कर दें. ये आपको लेके आया था एक फोल्डर में. फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड APK एंड डाउनलोड डाटा फाइल. तो पहले आप इसका APK डाउनलोड कर लें. यह आपको एक फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज में ले आके आ सकता है आपके लिए. मैंने कई सारी वीडियोस पे देखा ये आ जाता है, इससे आगे बढ़ नहीं पाती वीडियो. पर आप लास्ट में जाएं और कंटिन्यू विथ डिसेबलिंग कर दें तो उसके बाद आपका ये ऑन हो जाएगा. फिर इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड 16.69 MB. आप इसे डाउनलोड कर लीजिए. मैंने पहले से कर रखी है इसलिए मैं नहीं करूँगा. फिर उसके बाद आप अपने फोल्डर पर आ जाइए. फोल्डर पर आ रहे हैं. तो पहले हमने डाउनलोड APK करा था, पर अब हम करना है डाउनलोड डाटा फाइल. फिर डाउनलोड डाटा फाइल पे जाएंगे, वही सेम आ जाएगा, पर हमें वही सेम करना है फिर से कंटिन्यू विद डिसेबलिंग. कंटिन्यू विद डिसेबलिंग करेंगे तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा 198.44 MB का. तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे. मैंने कर रखा है इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा. आपका ये डाउनलोड होने के बाद आप प्ले स्टोर पर जाएँ. प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सेड आर्चीवर नाम के एप्लीकेशन को सर्च करें. यहाँ पर जनरली वीडियोस में देखी होगी, आप ओपन कर लें इसे. ओपन करने के बाद ये आपको फोल्डर्स में ले आता है. तो मैंने यूसी से करा था तो यूसी डाउनलोड्स में चला जाऊँगा, पर मैंने वो फाइल यहाँ से मूव करके अपने वाले फोल्डर में कर रखी है तो मैं अपने वाले फोल्डर में जाऊँगा. आप वैसे यूसी डाउनलोड्स में ही जाएँ, उसे मैंने पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर रखा है. आप एक्सट्रैक्ट करना तो जानते ही होंगे, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल आ जाती है. तो फिर आप इसे कट कर लें. कट करने के बाद आप डिवाइस मेमोरी में जाएं, एंड्रॉयड फोल्डर में, डाटा में आप इसको कॉपी कर लें. मैंने कर रखी है इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा. फिर जो मैंने आपको APK दे रखा है आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए तो आपकी गेम चल पड़ेगी. अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपके लिए स्टार्टिंग से डाउनलोड करके आपके लिए एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ. अब ये हो रहा है GTA San Andreas लाइट, हम गए. फिर उसके बाद आया, आपके लिए मैं APK रियल में ही डाउनलोड कर देता हूँ. आप जाते हो कंटिन्यू विद डिसेबलिंग. डिसेबलिंग करने के बाद आप फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज आप डाउनलोड कर लीजिए. ये बहुत ही शॉर्ट है, 16 MB का. तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं. ये बहुत ही कम सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा. आप इससे ज़्यादा नेट ही फास्ट भी नहीं चाहिए. अभी हो जाएगा आप करें इंस्टॉल. अभी इंस्टॉल हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं. तो आप डन कर दें. फिर आप आ जाएँ सीधा होम स्क्रीन पे. ये GTA से लाइट आ चुका है.
और फिर से आप जेड आर्चीवर पे चले जाएं, ओपन करें, तो आप जहाँ जिस पे भी आपका वो है फाइल उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे कट करें। कट करने के बाद चाहे डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डाटा उसे कट कर लें, फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा कट। उसके बाद ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा, फिर आप आए आराम से अपनी होम स्क्रीन पे, अपने इस गेम को कहीं भी आप रख सकते हैं। आप इसे करें ओपन, आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। आपको यहाँ पे आएगा साइन इन टू सोशल क्लब पर, आपको ऑफलाइन पे क्लिक करना है। पहली बार में आपकी गेम ट्रैश हो सकती है, पर कोई बात नहीं, फिर से आपकी गेम चल पड़ेगी। ऑफलाइन आपको ये प्रॉब्लम बार बार ना आए इसलिए आप अपनी सेटिंग पर जाएं। सेटिंग में जाकर एडिशनल सेटिंग पे जाएं, एडिशनल सेटिंग पे डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन में जाके आप फोर्स जीपीयू रेंडर कर दें, फोर्स जीपीयू रेंडर ऑन करें और फोर्स 4x MSAA इसे भी ऑन कर दें, फिर आप अपनी गेम ओपन करें। आपकी गेम चल जाएगी, मेरे में अभी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो अपने अगले पार्ट में दिखाऊंगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।